इससे पहले कभी राजा सुरेंद्र की इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं देखी होगी। और इसके बाद आपको हम दिखाते हैं काशी, आप देख सकते कितनी सुंदर की गई है, ये सेल्फी पॉइंट बना। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और ब्लॉग में स्वागत है। हम इस टाइम पहुंच गए चित्तौड़ा राजा सुहेलदेव स्मारक और आपको दिखाते हैं आज की वीडियो की कुछ पल, बने रहे हमारे वीडियो के आगे। चित्तौड़ा जिनका मेन गेट और हम चलते हैं आगे गेट के अंदर है, क्या नाम है, टिकट काउंटर बन रहा है और इस टाइम काम चल रहा है। और पीछे आप देख सकते पूरी दुकानें हैं, यहाँ बहुत सारी दुकानें खुलेंगी और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत जल्दी चालू होने वाला है। और आगे आप देख रहे हैं बहुत सुंदर पार्क बना है जो कि लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। और जो पीछे आपको गांव दिख रहा है वहाँ पर रुकने का, स्टे होने के लिए जगह बन रहा है। और इधर आप देख सकते हैं कितना बड़ा है राजा सुहेलदेव की मूर्ति, जो कि बहुत बड़ी है। और जो पार्क है वो भी बहुत सुंदर होने वाला है। और बच्चों को खेलने के लिए देख रहे हैं कितना अच्छा झूले लग रहे हैं, जो कि काम चल रहा है, बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा, जो कि बहुत सुंदर होने वाला है। बने रहिए आप वीडियो के आगे तक। और आप गेट खाते आपको चित्तौड़ा झील, ये देखिए आप चित्तौड़ा झील, वो कितनी सुंदर झील है, आगे आपको हम वीडियो में दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चित्तौड़ा पार्क में और आप देख सकते हैं कितना सुंदर पार्क बन रहा है, बन के लगभग तैयार हो चुका है। वहाँ बैठने के लिए जगह भी बना है और झील का जो व्यू होने वाला बहुत सुंदर होने वाला है। आप देख सकते कितना सुंदर झील को सजाया जा रहा है और एक अच्छा एक नए लुक दिया जा रहा है। आप देख सकते जो गुम्बद बना कितना सुंदर गुम्बद है, वहाँ पे लोग खड़े होकर फोटो भी खिंचा सकते हैं, आप देख सकते हैं। और पार्क का जो ये लुक है ये बहुत सुंदर है, लाजवाब है, आप देख सकते हैं। बने रहिए वीडियो के आखिरी तक, आपको दिखाते हैं और भी कुछ व्यू, वीडियो कुछ पार्क को आपको दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। और वहाँ पर आप देखेंगे राजा सुहेलदेव का स्मारक और जो अभी एक बहुत बड़ा सा जो राजा सुहेलदेव का प्रतिमा बन रही है आपको उसको भी दिखाया जाएगा, जो कि घोड़े पर बैठे हुए हैं राजा सुहेलदेव जी। और आप बने रहिए वीडियो की आखिरी तक, मिलते हैं दोस्तों। आखिरकार हम पहुंच गए हैं राजा सुहेलदेव के स्मारक के मेन गेट पे और मेन गेट के सामने आप देख सकते हैं राजा सुहेलदेव की जो प्रतिमा है, जो कि बहुत विशाल है और बहुत बड़ी है। और आपको दिखा देते हैं आगे, आइए, काम लगभग लगभग पूरा हो चुका है। आपने शायद इससे पहले कभी राजा सुहेलदेव की इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं देखी होगी। और इसके बाद आपको हम दिखाते हैं यहाँ के व्यू और आगे दिखाते हैं आपको जो सारा चित्तौड़ा झील है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, आपको वीडियो में दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो में। हेलो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं इस टाइम राजा सुहेलदेव स्मारक के पास, जो कि यह है राजा सुहेलदेव का स्मारक। और जो जस्ट बगल में बन रही है वो है राजा सुहेलदेव की मंदिर, जो कि बहुत बड़ी मंदिर बनने वाली है। दोस्तों हम पहुँच गए हैं चित्तौड़ा झील और आपको दिखाते हैं झील की कुछ फोटो। दोस्तों ये है चित्तौड़ा झील और ये है झील के, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं और फोटो खिंचाते हैं। सबसे जगह जो स्पेशल पॉइंट है चित्तौड़ा झील का यही है, जो इस गुम्बद की नक्काशी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर की गई है। ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कि लोग यहाँ पे आए, खड़े हों, फोटो लें। और ये है चित्तौड़ा झील जो बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं वहाँ पे लगा कमल का फूल। और इसके साथ साथ वहाँ पे लोग ये पेड़ के पास भी जाते हैं लोग फोटो खिंचाने। तो गाय ये है चित्तौड़ा झील, तो चित्तौड़ा झील का आप खूबसूरत वीडियो देखें। हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़ा झील और पीछे है चित्तौड़ा झील और फोटो के लिए सेल्फी पॉइंट तो बना रखा है सरकार ने। वहाँ पे गुम्बद है बहुत सारे, वहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं। लेकिन लोग यहाँ पे हरियाली के चक्कर में, हरे पेड़ के चक्कर में लोग यहाँ पे आते हैं सेल्फी लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ का हरा भरा जगह है और चित्तौड़ा झील कितनी बड़ी है, आप वीडियो में देख सकते हैं। आप कभी भी चित्तौड़ा आए तो जरूर यहाँ पे आएँ और घूमें। दोस्तों हम घर के लिए निकल रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।